Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear students. I am teacher Fehmara. How are you, class 7th? I hope that by the grace of God, you all will be perfectly fine. Now we start our lecture. So, open your book of grammar tree, page number 29. Chapter number 5, Words, Tenses and Time. Topic, Tenses and Exercise A. Lecture number 16, page number 29. Now be attentive for your lecture. Tense का मतलब है फेल ज़माना, यानी कि किसी काम के होने का ज़माने का बताना कि काम कब हुआ, माजी में हुआ, अब हाल में होगा या आने वाले कल में होगा, मतलब के मुस्तकबिल में होगा। यानी कि किसी काम का होना वगैरह, जो कोई भी काम किया वो किस वक्त हुआ, कब हुआ वगैरह। और टाइम ज़ाहर करने के लिए वर्ब को यूज़ किया जाता है। वर्ब टेंस का अहम हिस्सा है, क्योंकि वर्ब से ही टेंस की पहचान होती है, जिससे पता चलता है कि काम कब हुआ, माजी में हुआ, हाल में हुआ या अभी आने वाले वक्त में होगा। टेंस की तीन कैटेगरीज हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में किसी काम का पहले से ही हो जाना बताया जाता है और वर्ब के साथ ईडी का इजाफा किया जाता है, जबकि प्रेजेंट में किसी काम का उस वक्त होना बताया जाता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा किया जाता है। और अगर सब्जेक्ट, आई, वी और प्लूरल में नेम होंगे तो एस या एस का इजाफा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ नहीं होगा। और फ्यूचर टेंस में ये बताया जाता है कि ये काम होगा, कब होगा, ये बताया जाता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले विल यूज़ होगा। वर्ब एक वर्ड है जो किसी काम के होने के एक्शन को जाहिर करता है कि कोई काम हुआ तो कैसे हुआ। और वर्ब सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, क्योंकि वर्ब टेंस में किसी काम के होने को जाहिर करता है। पास्ट टेंस, पास्ट का मतलब है माजी। पास्ट टेंस का मतलब है ऐसा टेंस जिसमें माजी का जिक्र किया गया हो, गुजरे हुए वक्त का जिक्र किया गया हो। जैसा कि आप कहें कि मैं पिछले हफ्ते बाजार गया था, मैं 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था, तो ये सब जो फिकरात हैं ये माजी में हैं, गुजरे हुए वक्त में शामिल होते हैं। इसी तरह से फर्स्ट सेंटेंस है, शी वर्कड हार्ड फॉर हर ब्राइट फ्यूचर, आई विजिटेड माई कज़न यस्टरडे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैंने कल अपनी कज़न के साथ सैर की। अब यहाँ पे यस्टरडे गुजरे हुए कल की बात आ रही है ना, कि गुजरा हुआ वक्त। यहाँ पर विजिटेड मीन्स दैट वर्ब, और यस्टरडे से पता चल रहा है कि ये माजी का जिक्र है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस ऐसे टेंस को कहते हैं जिसमें मौजूदा दौर की बात की गई हो, ऐसा ज़माना जिसमें उस वक्त आप रह रहे हों। जैसा कि आप सेंटेंस बोलते हैं, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं ख़त लिख रही हूँ, मैं क्लास वर्क लिख रहा हूँ, मैं क्लास वर्क लिख रही हूँ, ये सब प्रेजेंट टेंस में शामिल हैं। यहाँ पे एग्जांपल आप देखें, शी ईट्स एन एप्पल, शी इज़ मेकिंग टी, शी रीड्स अ बुक, ये सब प्रेजेंट टेंस हैं, क्योंकि ये मौजूदा हाल को जाहिर कर रही हैं। फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल, फ्यूचर टेंस मतलब कि आने वाला ज़माना, आने वाला कल, आने वाला वक्त। जैसा कि आप कहें, मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगा, मैं पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बनूंगा, मैं गरीबों की मदद करूंगा, ये सब सेंटेंस जो हैं ये मुस्तकबिल के सेंटेंस बनते हैं, आने वाले कल के सेंटेंस बनते हैं। जिस तरह की एग्जाम्पल देखें, शी विल वर्क हार्ड फॉर हर ब्राइट फ्यूचर, आई विल ट्रेवल टूमारो, आई विल बाई न्यू हाउस आफ्टर सम डेज। अब यहाँ पे आने वाले ज़माने, आने वाले कल के बारे में बात की गई है, जिससे हमें पता चलता है कि फ्यूचर टेंस है। अब हमने टेंसेस की कैटेगरीज में, यानी कि पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में डिफरेंट एग्जांपल को यूज़ करके देखा है, जिससे ये बात वाजह हुई है कि वर्ब सेंटेंस का बहुत अहम हिस्सा है और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस की पहचान वर्ब के ज़रिए ही होती है। अगर किसी वर्ब के लास्ट पर ing यूज़ होगा तो वो कंटिन्यूस टेंस होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो सकता है। अब हम इसी मेथड को मद्देनजर रखते हुए एक्सरसाइज ए सॉल्व करेंगे। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 29। एक्सरसाइज ए देखें, एक्सरसाइज ए की स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि सेंटेंस ऑलरेडी आपको दिया गया है, अब आपने इस सेंटेंस में जो वर्ब को अंडरलाइन किया गया है उसका बताना है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। अब हम इस सेंटेंस को देखें, दे हैड ट्रेवल्ड, उन्होंने सफ़र किया, टू देयर एंसेस्ट्रल विलेज, अपने अबाई गांव का, व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब वो बच्चे थे। अब यहाँ पे अगर आप सारी ट्रांसलेशन नाम ही देखें, तो अगर आप जस्ट वर्ब को देखें, दे हैड ट्रेवल्ड, तो हमें यहाँ से वर्ब से पता चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, मतलब ये कि पास्ट टेंस। इस सेंटेंस के सामने पास्ट परफेक्ट लिख लीजिए। इसी मेथड को मद्देनजर रखते हुए हम फुल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और बुक पर ही एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। हर सेंटेंस के लास्ट पर सेंटेंस के सामने टेंस के नेम लिखें।
इसी तरह से फुल एक्सरसाइज हम सॉल्व करें। कीज ऑफ एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज ए का सॉल्यूशन। बच्चे आपके बुक पर जस्ट टेंस की डेफिनेशन है, आप वहाँ से टेंस की डेफिनेशन याद कीजिएगा और एक्सरसाइज ए सॉल्व कीजिएगा। लेकिन एक्सरसाइज ए सॉल्व करने से पहले आपने जस्ट लेक्चर को ध्यान से सुनना है। लेक्चर सुनने के बाद आपने एक्सरसाइज ए समझ के सॉल्व करनी है। और जितनी भी डेफिनेशन आपको करवाई गई हैं लेकिन आपकी बुक पर नहीं है, वो अब आप लेक्चर से देख के अपने बुक पर लिख लीजिएगा, क्योंकि आपने ये डेफिनेशन भी याद करनी है। अगर आप डेफिनेशन याद करेंगे और लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो आपको कम्प्लीटली इस लेक्चर की समझ आ जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।